नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 11 और 12 के साइंस साइड के यानी कि विज्ञान वर्ग के इंटरमीडिएट के लिए संधि का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं संधि से। और इसमें हम जो पढ़ेंगे आगे संधि के, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में हमें डिस्कस करना है, क्योंकि जो विज्ञान वर्ग है उसके अंतर्गत परीक्षा में सिर्फ ये चार दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं, यानी कि दो वर्णों का परस्पर मेल मिलाप होगा उससे एक नए शब्द का निर्माण होगा, वह शब्द संधि शब्द हो। अब यहां पर संधि में हमें दो बातें ध्यान रखना जरूरी है। एक होता है किसी शब्द का संधि विच्छेद करना, और जो संधि विच्छेद किया जाता है उसके द्वारा अगर दो शब्दों का निर्माण हो रहा है तो उन दोनों शब्दों का पूर्ण अर्थ निकलना आवश्यक है, तभी वह सफल संधि विच्छेद होगा। वरना आप समझिए कि आपके संधि विच्छेद में कहीं ना कहीं त्रुटि है। अब जैसे यहां पर है एग्जाम्पल में दिया गया है, रमा धन ईश ये मिलकर रमेश का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जो रमा है वो पूर्व पद है और जो ईसा है वह उत्तर पद है, और इनके द्वारा संधि शब्द रमेश का निर्माण हो रहा है। यहां पर रमा भी अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है और ईसा ये भी अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है, और इनके द्वारा बनने वाला शब्द यानी कि रमेश इसका भी पूर्ण अर्थ निकल कर आ रहा है। आगे बात करेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या ये कह लीजिए कि संधि की कितनी संतानें हैं। तो अगर इस बारे में बात करें तो संधि के तीन प्रकार हैं, तीन भेद हैं, अथवा कह सकते हैं कि तीन संतानें हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो आपका सिलेबस है विज्ञान वर्ग का, उनके सिलेबस के अंतर्गत सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही बताया गया है, और स्वर संधि के चार भेदों के बारे में बताया गया है। सारे भेदों के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ आपको चार भेद जो आवश्यक हैं, जो आगे आपको इसमें वीडियो में देखने को मिलेंगे, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। चलिए स्वर संधि पे जाने से पहले हम स्वरों की पहचान कर लेते हैं कि जो वर्णमाला है उसमें स्वर कौन कौन से होते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ यहां पर लिखा जरूर है लेकिन इनको हम ध्वनियों के रूप में पढ़ेंगे, अ ई उ री ली ए आए ओ आओ। अब आप सोचेंगे कि यहां पर छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है और छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है, इनको क्यों छोड़ दिया गया? इनको इसलिए छोड़ा गया अभी फिलहाल क्योंकि ये जो भाग होते हैं वो आ ई और ऊ के ही भाग होते हैं। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, और जो ह्रस्व होता है उसको हम छोटा स्वर कहते हैं और जो दीर्घ होता है उसको बड़ा स्वर कहते हैं। अब जैसे आ ई ऊ है, इनके ह्रस्व और दीर्घ भाग भी हैं, जैसे कि छोटा आ का ह्रस्व भाग छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और वहीं आ ई ऊ के दीर्घ जो भाग हैं वो हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। साथ ही एक और स्वर जो आपको देखने को मिलता है, री मिलता है, उसका छोटा भाग तो री है, बड़ा भाग भी री है। इनकी जो उच्चारण है वो सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ी लिखावट में अंतर होता है। यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये देखिए इतना हो रहा है और इस वाले में दो बार उसको घुमाया जा रहा है, तो ये उसकी लिखावट में अंतर होता है, उच्चारण में कोई खास अंतर नहीं होता, और ये वर्णमाला में उतने उचित रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, ये अलग से शब्द निर्माण होते हैं। तो अगर हम सबको मिला लें तो हमारे पास जो स्वर निकल कर आ रहे हैं वो हैं अ आ ई उ री, और इसको हम बड़ा री कह सकते हैं या दीर्घ री कह सकते हैं, री इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, इन दोनों के ही दीर्घ रूप के रूप में
बड़ा री काम करता है, दीर्घ री काम करता है, ए आए ओ औ, ये हमारे स्वर हो गए। क्योंकि यहां पर स्वरों का ज्ञान इसलिए देना आवश्यक था क्योंकि जो स्वर संधि है वो पूर्णतः स्वरों पर आधारित है, उसमें स्वर्ण वर्णों का ही मेल होता है, इसलिए स्वरों का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें यहां पर ज्ञान होना चाहिए कि छोटा आ और बड़ा आ समान स्वर है, छोटी ई और बड़ी ई समान स्वर है, छोटा ऊ बड़ा ऊ समान स्वर है, री ली और दीर्घ री ये भी समान स्वर है। इन स्वरों के बारे में जानकारी आवश्यक है क्योंकि जो दीर्घ संधि है उसमें समान स्वरों का मेल होता है हमेशा, उसके अलावा जो अन्य संधियां हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वर संधि जो है वो पूर्णतः स्वरों पर आधारित है। यहां पर जो प्रधानता आवश्यक होती है वो होती है पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसमें स्वरों की प्रधानता। अब प्रधानता की बात करें मतलब पूर्व पद और उत्तर पद तो लिए ही जाते हैं संधि में, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद में जो प्रधानता होती है वो स्वरों की होती है। तो स्वर संधि की परिभाषा यही बनेगी कि स्वर से स्वर का मेल होने पर होने वाला परिवर्तन ही स्वर संधि कहलाता है। अभी संधि की परिभाषा हमने दी जो पढ़ी थी उसमें था कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। यहां पर वर्ण तो स्वर वर्ण होंगे लेकिन वहां यहां पर सिर्फ स्वर से स्वर का ही मेल हो रहा है, इसलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर से स्वर का मेल हो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला परिवर्तन या बनने वाला नया शब्द स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो चलिए आपके जो स्वर संधि के बारे में चार प्रकार बताए गए हैं आपकी सिलेबस में जो दिए गए हैं वो है दीर्घ संधि, गुण संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। आपके परीक्षा में पूछे जाने के बहुत चांस होते हैं, अगर आपको डेरिवेटिवली लिखने के लिए आएगा तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट तब बनेगा अगर आप इसका सूत्र भी साथ में लिखेंगे, तो इसको आप जरूर याद रखें। बाकी अभी आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़िए, वरना इस सूत्र पर ही पूरा नियम दीर्घ संधि का डिपेंड करता है। आपको जब आप और डीपली इसको अगर पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ठीक ठाक ज्ञान हो जाए जिससे आप पेपर में लिख सकें, वो ज्यादा आवश्यक है। लेकिन जब आप इसको और डीपली पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र होते हैं उनकी सहायता से जब इनको पढ़ा जाएगा तो इस सूत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन फिलहाल आपको याद करने की जरूरत है कि अकह सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र होता है। चलिए बात करते हैं दीर्घ संधि के जो एक प्रकार से कह दीजिए नियम है, एक प्रकार से ये जो नियम है इनको अगर आपने पढ़ लिया, इनको आपने समझ लिया तो आपको दीर्घ संधि में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो दीर्घ संधि होती है उसमें समान स्वरों का मेल होता है। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये देखिए सब जगह समान स्वर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर छोटा आ और बड़ा आ का जो मेल है वो छोटा आ या बड़ा आ से ही हो रहा है। कभी भी पूर्व पद के, जैसे अगर पूर्व पद में छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कुछ भी है तो उनका जब मेल होगा तो अपने ही समान स्वर के साथ होगा तो ही वहां पर दीर्घ संधि होगी। यानी कि छोटे या बड़े स्वर के द्वारा बनने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है, या समान स्वर के द्वारा बनने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। यहां पर ह्रस्व या दीर्घ का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ वाले अपने ही समान स्वर से होता है तो वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही छोटा आ और बड़ा आ का जब मेल छोटा आ या बड़ा आ में से ही किसी में होगा तो वह बड़ा आ के रूप में निकल कर आएगा, बड़ा आ के रूप में इसका संधि के रूप में विकास होगा। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई, इनका मेल छोटी ई या बड़ी में से किसी एक में होगा तो बड़ी ई निकल कर आएगी। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से ही किसी में से होगा तो बड़ा ऊ निकल कर आएगा। ऐसे ही रील री, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रील री और बड़ी वाली री दीर्घ री है वो तीनों समवर्ण ही है एक प्रकार से, तो इनमें से अगर किसी का भी मेल होता है, रील री और रील री में से किसी एक किसी का भी मेल होता है तो बड़ी वाली री निकल के, यानी दीर्घ वाली री निकल के आती। तो ये सूत्र हो गए
अब ये इन सूत्रों का प्रयोग आप जब संधि विच्छेद करेंगे उनमें काम आएगा, या संधि विच्छेद के द्वारा आप संधि का पता लगाएंगे कि कौन सी संधि है तो उनमें काम आएगा। अब जैसे मत अनुसारम लिखा है तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो मत अनुसारम है वहां पर जो ता है वो आधा ता है, उसके साथ आ का योगदान है। यहां पर ध्वनि को पहचानिए तो मत में ता के अंत में छोटे आ की ध्वनि आ रही है, तो ये छोटा आ निकल कर आया पूर्व पद की ध्वनि के रूप में, इसका मेल हुआ उत्तर पद की छोटा आ से। ये जो अनुसारम लिखा है इसके छोटा आ से मेल होगा, तो छोटा आ और छोटा आ के मेल से बड़े आ का निर्माण होगा। जैसा कि यहाँ पर अभी हमने सूत्र में देखा था कि छोटे आ और बड़े आ का किसी का मेल छोटे आ या बड़े आ से होगा तो बड़ा आ का हमेशा निर्माण होगा, तो वही यहाँ पर हुआ है। छोटे आ और छोटे आ का मेल हुआ तो यहाँ पर बड़े आ का निर्माण हुआ और मतानुसारम हो गया। ऐसे ही विद्याधन आलय में आप देखिए, ये जो द्या लिखा है यहाँ पर बड़े आ की ध्वनि निकल कर आएगी बाहर, और इस बड़े आ की ध्वनि का मेल आलया के बड़े आ से होगा, उत्तर पद के बड़े आ से होगा, और इनका इसके द्वारा निर्माण होगा बड़े आ का, तो वही हुआ है। यहाँ पर छोटे आ से भी बड़ा आ बना है, और बड़े आ के मेल से भी बड़ा आ बना है, और विद्याधन आलिया हो गया विद्यालय। ऐसे ही गिरिधन ईशा, यहाँ पर गिरी में छोटी ई की ध्वनि निकल कर आ रही है और ईशा में बड़ी ई की ध्वनि निकल कर आ रही है, और छोटी ई और बड़ी ई के जब मेल होगा तो हमेशा दीर्घ रूप में बड़ी ई प्राप्त होगी। यही तो दीर्घ संधि है कि जब चाहे कोई भी मेल हो बस समान स्वर हो उनका हमेशा हमें दीर्घ स्वरूप ही प्राप्त होता है, यही दीर्घ संधि है। तो गिरी और ईशा के मेल से ग्रीसा निकल कर आया। ऐसे ही लघु उत्तरम में, लघु में घा के साथ छोटे ऊ की ध्वनि निकल कर आ रही है, और उत्तरम के छोटे ऊ को हम जब ले लेंगे साथ में तो इनके मेल से भी बड़े ऊ का निर्माण हो जाएगा और लघु उत्तरम निकल कर आएगा। अतः लघु धन उत्तरम बराबर होगा लघु उत्तरम के, यहां पर भी दीर्घ संधि होगी। अब देखिए, अब जैसे यहां पर लिया है होत्र धन ऋकारा जे बनकर आ रहा है होत्र कारा, ऐसे ही होत्र धन लकारा भी बनकर आ रहा है होत्रकारा। अब आप कहेंगे ये दोनों सेम है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि री और ली, री और ली संवर्ण संज्ञक स्वर हैं, यानी कि ये संवर्ण कहलाते हैं। चाहे आप री के द्वारा प्रयोग कर लीजिए, चाहे आप ली के द्वारा प्रयोग कर लीजिए, जो संधि विच्छेद के बाद संधि का निर्माण होगा वो एक जैसा ही होगा, ये संवर्ण कहलाते हैं, दोनों समान स्वर माने जाते हैं। तो आपको यहां समझ में आ गया, जैसे ये होत्र है इसमें त्रा में री छुपा हुआ है, और ये चाहे आप ये ले लीजिए चाहे आप ये ले लीजिए, यहां पर जब इसका योग होगा तो भी बड़ा री निकल कर आएगा, और अगर ला का योग होगा तो भी बड़ा री ही निकल कर आएगा। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ किसी के भी मेल होने पर हमेशा दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है, यही दीर्घ संधि है। और आपको एक बार बताना चाहेंगे कि आप हमेशा देखिएगा, जो दीर्घ संधि के शब्द बनकर निकल कर आते हैं उनमें हमेशा जो शब्द होगा उसके मध्य में या तो बड़े आ की मात्रा आ रही होगी, या फिर बड़ी ई की मात्रा आ रही होगी, या बड़े ऊ की मात्रा आ रही होगी, या री निकल कर आ रहा होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी, आपको बहुत आसानी से संधि पहचानने में मदद मिलेगी। आप तुरंत पहचान जाएंगे देखकर कि यहां पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं, हम गुण संधि पर जाते हैं, जो अगला टॉपिक है, आप टॉपिक कह लें या फिर स्वर संधि का दूसरा जो भेद है वो है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आदगुणा, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ज्यादा नहीं है, चार सूत्र याद करने हैं आपको, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, यण संधि का और अयादि संधि का। तो देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे समान स्वरों की, और इसमें है असमान स्वर। अब असमान स्वर क्यों है आप खुद सोचिए, अगर समान स्वर इसमें भी हो जाएंगे तो फिर तो वो दीर्घ संधि हो गई ना। छोटे आ और छोटे बड़े आ के साथ अगर हम छोटे आ और बड़े आ का मेल कर देंगे तो वो तो फिर दीर्घ संधि का ही सूत्र हो गया। तो यहां पर क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था वहां पर छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटा आ बड़ा आ के साथ हो रहा था, छोटी ई बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई के साथ हो रहा था, तो ये समान वर्ण चल रहे थे। अब यहां पर क्या है, पूर्व पद में हमेशा छोटा आ या बड़ा आ ही रहे, जबकि जो उत्तर पद है उसमें
असमान स्वर, यानी छोटा आ और बड़ा आ के अलावा असमान स्वर, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री या फिर री, इनमें से ही कोई आएगा। अभी तक जो संधि है वो स्वरों के री तक ही आई है, जो री के बाद री आता है, हमने देखा छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और ली, यहां तक ही संधि के जो सूत्र चल रहे हैं वो इन्हीं के दौरान ही चल रहे हैं। अभी ए आई ओ औ का कहीं यूज नहीं हुआ, आगे आने वाली संधियों में उनका प्रयोग होना शुरू होगा। तो अभी हमने देखा कि छोटा आ बड़ा ही पूर्व पद में आएगा, उसके साथ उत्तर पद में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री एल री में से कुछ एक जोड़कर आएगा। तो ये क्योंकि समवर्ण है, इनके द्वारा मिलान से ए का निर्माण होगा, इन दोनों के द्वारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ के द्वारा मिलान से ओ का निर्माण होगा, री आने पर अर बनेगा और री आने पर अल बनेगा। ठीक, ये निकल कर आया। अब हम देखेंगे सुर धन इंद्र, एग्जाम्पल है सुर धन इंद्र। अब देखिए सुर में छोटे आ की ध्वनि है, रा के साथ आ जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से आधा रा है और उसके साथ आ का मेल हुआ तो पूरा रा बन गया। ठीक, तो सुर में आ जुड़ा हुआ है और इंद्र में ई निकल कर आया, तो देखिए पहला वाले फॉर्मूले की तरह बन गया, छोटा आ बड़ा आ और छोटी ई बड़ी इनके मेल के द्वारा बन रहा है, आ के साथ ई का मेल हुआ तो ए का निर्माण हो गया। अब देखिए अब ए कहां चढ़ा, रा के साथ मात्रा में ए की मात्रा यूज हो गई और सुरेंद्र का निर्माण हो गया। तो सुर के साथ इंद्र जुड़ा तो सुरेंद्र का निर्माण हुआ। ऐसी पर धन उपकारा है, तो पर में रा के साथ आ जुड़ा हुआ है और उपकारा का ऊ, ये भी तो देखिए यहां पर भी असमान स्वर थे, यानी आ अलग है ई अलग है, ऐसे ही यहां पर भी असमान स्वर है, आ अलग है ऊ अलग है, और आ और ऊ के साथ मेल होने पर हमेशा ओ का निर्माण होगा और ये ओ की मात्रा रा के ऊपर चढ़कर परोपकारा का निर्माण कर देगी। अब आप ये सोचेंगे यहां पर के बाद ओ क्यों नहीं लिखा, तो ये व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध है ना, पर ऐसे अगर हम लिखें पर उपकारा तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए जो रा के साथ ओ का मेल हुआ है वो रा पे ही मात्रा चढ़ के निकला है और परोपकारा बन गया। देवस देव धन ऋषि देवर्षि, अब यहां पर भी आ निकल के आया, यहां ऋषि निकल के आया, तो इसने अर का निर्माण किया। अर का किस प्रकार से निर्माण किया, जो अर है वो देखिए आ जो जुड़ गया, देखिए देव है, देव को हम ऐसे तोड़ेंगे आधा वा धन आ, ठीक, ये आ निकल के आया यहां पर, ये हो गया। अब इस वाले शब्द में सिर्फ देव बचा, उसमें वा आधा है, और ऋषि का री निकल के आया यहां पर, सिर्फ बचा सी करके। ठीक, तो जब मेल हुआ तो अर निकल के आया ना, अब इस शब्द में और इस शब्द में आप अर को रख दीजिए, तो अर में से जो आ है उसने वा को पूर्ण बना दिया, उसने वा को पूर्ण बना के देव कर दिया, और जो ये रा आधा है वो सी के ऊपर मात्रा के रूप में पहुंच गया, तो वो बन गया देवर्षि। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मम धन लकारा, तो इसमें भी मां के साथ, अब देखिए इसको भी मैं तोड़ के बता दूं, आधा मां धन आ, ये हो गया मम पूरा धन ली धन का रहा। अब देखिए ये दोनों शब्द तो अभी अलग हैं, जो संधि हो रही है वो आ और ला के बीच में हो रही है और अल का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब इसमें आप जोड़िए मम में आधा माँ है और इसके साथ जब अल जोड़ेगा तो जो आ है वो आधे माँ को पूरा कर देगा, तो ये पूरा हो गया देखिए मम, और जो आधा ला है वो आधा ला इसमें जुड़ के आया और कारहा पूरा हो गया, तो ये ममल कारहा बन गया। तो यहां पर कौन सी थी, गुण संधि थी। गुण संधि क्यों थी, क्योंकि छोटा आ या बड़ा आ के साथ असमान स्वर जुड़ रहे हैं और ए ओ अर और अल का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहां पर गुण संधि थी। चलिए तो चलिए तीसरी संधि से शुरू करते हैं, जिसका नाम है यण संधि। इसका सूत्र है ई को यणची, तो इस सूत्र को आप अवश्य याद कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो अभी संधि चल रही है उसमें पूर्व पद या उत्तर पद में सिर्फ ली तक को ही लिया जा रहा है। शुरुआत में हमने देखा था छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और ली, इनके साथ समान स्वर जोड़े जा रहे थे। फिर हमने देखा कि छोटा आ और बड़ा आ गुण संधि में, छोटा आ और बड़ा आ सिर्फ पूर्व पद में सिर्फ वही थे और उत्तर पद में उससे असमान स्वर जोड़े जा रहे थे। अब हम देखेंगे कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और ली, ये पूर्व पद में आना शुरू हो गए
और उत्तर पद में इनके असमान स्वर जोड़े जाएंगे। तो छोटी ई और बड़ी ई के लिए असमान स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? हम सबको पता है कि छोटी ई और बड़ी ई के लिए छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर जो शेष स्वर होंगे वो असमान होंगे। छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री, ए आए ओ औ। ये शब्द उत्तर पद में छोटी ई या बड़ी ई के साथ जोड़े जाएंगे तो या का निर्माण होगा। सेम छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ जो असमान स्वर जोड़े जाएंगे, इन्हीं में से छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर असमान स्वर जोड़े जाएंगे उनके द्वारा वा का निर्माण होगा। ऐसे ही री के साथ असमान स्वर जोड़े जाएंगे उनके, और री के साथ जब असमान स्वर जोड़े जाएंगे तो उनके द्वारा ला का निर्माण होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ छोटा आ, छोटा या, छोटा वा, छोटा रा या छोटा ला के ही निर्माण नहीं होगा, उनके द्वारा जोड़े जाने वाले स्वरों की ध्वनि का भी हमें ध्यान देना जरूरी है। जैसे अगर बड़ा आ है तो सिर्फ या का निर्माण नहीं होगा, बड़े या का निर्माण होगा। छोटा यू, छोटा ऊ जोड़ा तो छोटा यू का निर्माण होगा, बड़ा ऊ जोड़ा तो बड़े यू का निर्माण होगा। ऐसी ही अगर ए जोड़ा तो या के ऊपर एक मात्रा आ जाएगी, आय जोड़ा तो दो मात्राएं आ जाएंगी, ओ जोड़ा तो या के साथ ओ की मात्रा आ जाएगी, और औ जोड़ा तो या के साथ वो औ की मात्रा आ जाएगी। सेम कंडीशन वा, रा और ला पर भी लागू होगी। मतलब जिस प्रकार का उत्तर पद का वर्ण होगा उसी के आधार पर उस पर मात्रा भी चढ़ेगी। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल देखिए, तो इति धन आदि इत्यादि। अब इति धन आदि इत्यादि कैसे हुआ? ता में यहां पर ई का ध्वनि निकल कर आया, ठीक, और इसके साथ असमान स्वर बड़ा आ जुड़ रहा है, तो यहां पर जो है बड़े या का, क्योंकि ई और आ के साथ जब जोड़ेंगे तो बड़े या का निर्माण होगा। अब यहां देखिए ता आधा है, क्यों है ता आधा? इसलिए है क्योंकि जो इति है इसमें से ती में से जब ई की मात्रा निकालनी तो हमने आधा ता बचा, और ये आधा ता पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ई और आ ने मिलकर पूरी या का निर्माण किया और ये या यहां पर जाकर जुड़ गया, इसलिए कुछ इस प्रकार से निकल कर आया इत धन दी। तो यहां पर जो बना वो होगा इत्यादि। समझ में आया आपको? यण संधि में हमेशा या के पहले वाला वर्ण आपको हमेशा आधा मिलेगा, ये उसको पहचान करने की एक ट्रिक है, आप हमेशा याद रखें। जैसे यहां पर अभिधन उदया में भी अभ्युदया है, और जो भा है या के पहले वाला वर्ण, जो या है चाहे वो छोटा यू हो, छोटी यी हो, बड़ा या हो, तो उनके पहले वाला वर्ण हमेशा आधा हो जाएगा। तो यहां पर भा आधा हो गया। अब यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो अभी अभी में ई निकल कर आई, धन ऊ जुड़ा, असमान वर्ण है ये जुड़े, इनके द्वारा बना हुआ है यू बन के निकल कर आया और ये इसमें जुड़ गया, तो अभिधन उदया तो अभिद्या हो गया, सुधन अच्छा स्वच्छा हो गया। अब यहां पर वा क्यों आया? क्योंकि छोटा ऊ का प्रयोग किया गया, हमने सूत्र में देखा था कि छोटा ऊ के साथ या बड़े ऊ के साथ जो असमान स्वर जुड़ेगा तो वा का निर्माण होगा। छोटी ई और बड़ी ई अभी जुड़ गई तो या निकल रहा था, अब वा निकल कर आया। तो देखिए यहां पर छोटा ऊ के साथ जब आ जोड़ा गया, ये दोनों असमान स्वर हैं, छोटा ऊ अलग है, छोटा आ अलग है, इनके द्वारा जब जोड़ा गया तो वा निकल कर आया, और वा कैसा निकल कर आएगा? छोटा वा निकल कर आएगा। बड़ा वा तब निकल के आता अगर यहां पर बड़ा आ होता, क्योंकि यहां पर बड़ा आ नहीं है तो छोटा वा ही निकल कर आएगा। तो उसके द्वारा स्वच्छ सुधन अक्षर स्वच्छ हो गया, और छोटा सा वा के पहले वाला अक्षर आधा हो गया। ऐसे ही मात्राज्ञा में भी यहां पर री है, री के साथ बड़ा आ जुड़ेगा, तो री के साथ रा बन रहा था, क्योंकि बड़ा आ है तो बड़ा रा बन जाएगा, और ये जुड़ गया तो ये बन गया मात्राज्ञा। अब आप कहेंगे यहां पर तो कोई आधा वर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो ये चीज मा आधा ता राज्ञा लिखी हुई है, क्योंकि आधा ता और रा जोड़कर हम त्रा का निर्माण करते हैं, इसलिए ता और रा के मेल से ही वो त्रा बन गया और बड़ा त्रा निकल कर आया, तो ये मात्राज्ञा हो गया। ला धन आकृति, यहां पर ला निकल के आया, धन बड़ा आ जोड़ा तो ला का निर्माण होगा, और ला का बड़े ला, क्योंकि बड़ा आ है, तो ऐसे ही यहां पर लाकृति हो गया। तो आपको यण संधि भी समझ में आ गई होगी। यण संधि का छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि या, वा और रा और ला बन रहा है, उनके पहले वाला वर्ण जो होगा वो आधा होगा। आपको बहुत आसानी से आप
कैच कर लें कि यहां पर यह संधि है, क्योंकि अभी तक जितनी भी संधियां आई हैं वहां किसी में भी संधि विच्छेद के बाद आधे वर्ण का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि जो वर्ण मिल रहा है या निकल के आ रहा, वा निकल के आ रहा, रा निकल के आ रहा और ला निकल के आ रहा, इनके पहले वाला वर्ण आधा हो रहा है, ये आधे नहीं हो रहे हैं, इनके पहले वाला वर्ण आधा हो रहा है, और ऐसा अभी हमें किसी संधि में देखने को नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। इसका सूत्र होता है एचोस यवा यावा, तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे, इस बारे में बात हुई थी कि जो संधि चल रही है उनके पूर्व पद में छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और ली ही हमें देखने को मिला था। ठीक, अब समय चेंज होता है, बदलता है, और अब समय किसका आया, ए ए ओ औ का, इनका समय बदल कर आया और इन्होंने प्रधानता दिखाना शुरू कर दी और पूर्व पद पे आने लगे, ए ए ओ औ। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अयादि संधि में पूर्व पद में हमेशा ए आए ओ औ आते हैं, इनकी प्रधानता होती है और यही निर्माण करते हैं आगे वाली संधि का। तो ए के साथ जब असमान स्वर जुड़ेगा, अब असमान स्वर आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ली ओ औ, क्योंकि ए और आए के लिए जो असमान स्वर होंगे इन दोनों को छोड़ के ही होंगे। तो ए के साथ जब असमान स्वर जुड़ेगा तो आए बन जाएगा, आय के साथ असमान स्वर जुड़ेगा तो आय बन जाएगा, ओ के साथ असमान स्वर जुड़ेगा तो औ बन जाएगा, और औ के साथ असमान स्वर का मेल होगा तो आव का निर्माण हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए एग्जाम्पल्स, उदाहरण दिया है कि नेधन अनम को जोड़ने पर नयनम का निर्माण हो रहा है, यानी संधि शब्द नयनम का निर्माण हो रहा है। ये संधि विच्छेद वाले शब्द हैं, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ये हमें जानकारी होना चाहिए। अब पूर्व पद में क्या है, ए जुड़ा हुआ है ना के साथ, ना के साथ ए की मात्रा जड़ी है, यानी कि ए उसके पूर्व पद में है और उसके साथ उत्तर पद की आ को हमने ले लिया, तो इनके द्वारा जो निर्माण हुआ वो अय का निर्माण हुआ। अब क्योंकि नाक में ए की मात्रा थी तो ये आधा ना बचा, धन ए था, ये चीज जो लिखी हुई है वो इस रूप में लिख दिया हमने, ए का प्रयोग हमने संधि विच्छेद के लिए कर लिया, और जो ना आधा बचा वो बाद में इस अय के साथ जुड़ेगा। आधा ना के साथ जब हम अय जोड़ देंगे तो जो ये आ है वो इस आधे ना को पूरा बना देगा, ना हो जाएगा और ये आ इसके साथ जुड़ के निकल आएगा, तो नय हो गया, और आगे नम तो जुड़ा ही है तो ये हो गया नये नम। ऐसे ही गय धन अका गाय का, इसमें भी आय की मात्रा है, धन आ जुड़ रहा है, हमने अभी पढ़ा था आय के साथ जो कुछ भी जुड़ता है तो आय निकल के आता है, तो वही चीज निकल के आई तो ये गाय का बन गया। पो धन अनम पवन पवन, तो ये हो गया। तो इसमें ओ की मात्रा निकल के आ रही है, धन आ निकल के आ रहा है, जब इनके साथ होगा तो औ का निर्माण होगा। ऐसे ही यहां पर पौ धन पौ यानी कि औ की मात्रा चढ़ी हुई है, पौ धन अकहा यानी पाव का, यहां पर औ की मात्रा के साथ जब आ जुड़ रहा है तो आव का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये पाव का हो गया। यही अंतर देखिए, ओ की मात्रा थी तो ये पवना हुआ है, अगर औ की मात्रा होती तो पावना हो जाता, लेकिन यहां पर औ की मात्रा थी इसलिए ये पाव का हो गया। ऐसे ही पो धन इत्रम, अब देखिए मात्रा कैसे चेंज होगी, यहां पर भी ओ की मात्रा है लेकिन यहां पर ई है। अब अभी आप बताया था कि औ का निर्माण हो रहा था, कब हो रहा था, जब आ अगर जुड़ा होता, अगर यहां पर सिर्फ आ होता तो ये औ का निर्माण होता, क्योंकि यहां पर ई भी है साथ में, ई जुड़ी हुई है, तो जो ई की मात्रा है वो वा के साथ जुड़ के निकल के आएगी तो अभी हो जाएगा। ऐसे ही अगर ओ के साथ बड़ा आ निकल के आ रहा हो तो अवा हो जाता। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में। ये क्लास थी जो मैंने आपको पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। जो कुछ भी अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। आगे आपको ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप अगर इनका आंसर रिप्लाई देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए। नाविकः प्रत्यक्षः प्रत्येकं परमार्थः अत्याचारः श्रवणः
स्वागतम राजेंद्र, इन सब में संधि विच्छेद करके बताना है और आपको और संधि का। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे हम अपने नए वीडियो के साथ, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, हिंदी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करवाने के प्रयास में हम आपके साथ सहयोग करते रहेंगे। ये उदाहरण आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। धन्यवाद।